में आता हूँ। ये संघर्ष लंबा है, ताकत की कीमत है। जब तक हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तब तक कोई भी मानने वाला नहीं है। और आज मुझे खुशी है कि ये ताकत तो राजस्थान को कहीं भी कुछ भी करवाने में सक्षम है। आपकी एकता पे मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत इसी तरह आप एकता बना के और अनुशासित रहेंगे तो सरकार कोई भी हो जाए उनको झुकना पड़ेगा। और आपने तो वो कार्य किया है जो भगवान स्वरूप, मेडिकल कर्मियों को भगवान स्वरूप मानते हैं। और आप लोगों ने तो कोविड जो एक विश्वव्यापी एक घातक बीमारी थी उसमें आप लोगों ने अपनी सेवाएं दी है। और उस सेवाएं में देने के बावजूद लोगों ने आपकी भी पूरी वो रखी है, लेकिन सरकार जो बिल्कुल भी कोई भी चीज में आप लोगों का सहयोग नहीं कर रही है। सरकार बिल्कुल सोई हुई है, सरकार हर जगह नाकाम रही है। तो ऐसी सरकार को हमें किसी भी कीमत पे यहाँ पर नहीं रहने देना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। और सरकार अपने किए हुए कार्य पे आप लोग देख रहे हैं उनकी क्या स्थिति हो रही है, उनकी इसी स्थिति का कारण वो खुद है। तो हमें चाहिए एकता बनाए रखे। मैं हर तरीके से आप लोगों के साथ हूँ और सरकार आगा बजो भाई जी मांगो। बस अड़े बैठा था मैं भी। थोड़ी जगह किसी को थोड़ा सा ये सिर्फ आधार के समर्थन में है। भाई जी बैठ जाओ नीचे, बैठ जा बैग वाले भाई नीचे बैठ जाओ। ओ बैग वाले बैठ जाइयो।
लोका का यूट्यूब चैनल चाल कशी आहे चेसू वो भाई जी नीचे बैठ जाओ है तो बैठ ले लगे बैठ जा पहले अरे कुछ नहीं दिख रहा बैठ जा भाई बैठ जा आजा बैठ क्यों जाए अरे काई कौन दिख रहा आम आदमी पार्टी वाला कट गया ये बहन बैठ जा सामने तो फिट लेना कुछ हमारे बीच में आम आदमी पार्टी से अर्चित जी अपनी बात रखेंगे वादा करें सभी साथी आराम से सुनोगे शांति से कोई नारेबाजी नहीं करेगा सच्ची बात है ना कोई नारेबाजी नहीं करेगा शांति से अरे ये क्या फिर आराम से ए बैठ जा भैया वो मोबाइल वाले नमस्कार जय हिंद दोस्तों जय हिंद जय हिंद साथियों आज मैं आप लोगों के समक्ष केवल इसीलिए आए हैं हम लोग राजस्थान के अंदर जिस समय कोविड बहुत फिर से फैल रहा था और डॉक्टर काफी सारे डॉक्टर लोग काफी सारे डॉक्टर लोग जब अपनी जान बचाने के लिए घरों में बंद हो रहे थे उस टाइम आप लोगों ने जनता की मदद के लिए सरकार की मदद के लिए अपने आप को रोड पर लाकर खड़ा किया और जनता की मदद करी इसके लिए मैं आप लोगों के आगे में सबसे सुन रही हूँ भाई और बहनों जैसे कि आप लोग सब बता रहे पैसे भी नहीं दिए इतनी दहशत हुई वाली बात है पांच पांच महीने आप लोगों से काम करवा दिया पैसा भी नहीं दिया वो समय ऐसा था कोई भी व्यक्ति रोड पे आके खड़ा होने को तैयार नहीं था एक दूसरे का हाथ से हाथ मिलाने को तैयार नहीं था पर आप लोगों ने लोगों की मदद करके सरकार के पास में कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं थे केंद्र इंग्लैंड के पास दवाई थी है इंजेक्शन थे ना इनके पास हॉस्पिटल थे पर आप लोगों ने लोगों की मदद करी उसका फल आपको गवर्नमेंट नहीं दे पाई गहलोत सरकार नहीं दे पाई पर हाँ उसका नुकसान आपको दिखा रही है पर उनको शर्म आनी चाहिए और आप लोगों को साथ देना चाहिए आप लोगों को तुरंत प्रभाव से नियमित करके और आप लोगों को सरकारी नौकरी देनी चाहिए मैं समझाना चाहता हूँ हमारे दीपक मिश्रा जी को देवेंद्र शास्त्री सर को आपके समक्ष बात करिए भाई अब बंदे है जाओ मोबाइल बंद करो मोबाइल अपने बीच में आम आदमी पार्टी से देवेंद्र शास्त्री जी अपनी बात रखेंगे सभी शास्त्री जी सॉरी देवेंद्र शास्त्री जी अपनी बात रखेंगे।